हेलो गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगी, ये रहेगी आपकी हरियाणा एसएससी जो क्लर्क का अभी एग्जाम हुआ है उसी के पेपर के सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगी। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम, हरियाणा एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और ये 3 मार्च तक आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो इनमें कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आप कॉमर्स साइड से हो, यूडीसी वगैरह का एग्जाम हुआ था उसमें कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ऐसे ही आपका जूनियर सिस्टम इंजीनियर का हुआ था उसमें कंप्यूटर या वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही आपका अगर मैं एलडीसी की बात करूँ, जैसे आज के दिन आपका एलडीसी का एग्जाम था तो उसके अंदर जो हिंदी और इंग्लिश था वो 10-10 मार्क्स का कर दिया था, ठीक है, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स थे उनमें हिंदी इंग्लिश 5-5 मार्क्स के रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ हरियाणा एसएससी क्लर्क का जो पेपर हुआ था। एक्चुअली पेपर तो सबको मिला है, उनका सॉल्यूशन जो आप डाल कर आए हैं वो भी आपका वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ मैं बात करूँगी कि प्रॉपर जो आंसर होगा, 100% जो एक्यूरेट आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पेपर के ऊपर चलते हैं फाइनली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम है, हेड ऑफिस कैडर के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी 16 के लिए, ठीक है। देखिए आज की ही डेट है, 28 फेब को ये एग्जाम हुआ है, एग्जाम सेंटर दिया है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, एक्चुअल में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन क्या रहेगा जो एक्यूरेट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही विलोम शब्द बताइए। तो विलोम शब्द जेस्ट का क्या होगा, एंटोनिम आपको बताना है, तो क्या होगा, कनिष्ठ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, अमृत का अमीय होगा, तो आपका आंसर ए सेकंड सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पर्यायवाची पाषाण का क्या रहेगा, पत्थर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, पताका, पताका का पर्यायवाची क्या होता है, झंडा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, झंडी। नेक्स्ट है आपका, दिल पसीजना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो दिल पसीजना मतलब दया आना आपको किसी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो कान खड़े होने का क्या रहेगा आपका, चौकन्ना होना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक वचन का बहुवचन बताइए, गली, तो गली का बहुवचन क्या होगा, गलिया हो जाएगा। ऐसे ही अगर कलम का बहुवचन आपको बताना हो तो क्या हो जाएगा, कलमे हो जाएगा। एक वचन का बहुवचन नेक्स्ट भी यही है, क्वेश्चन नंबर 9, छज्जा का क्या होगा, तो छज्जा का क्या हो जाएगा आपका, छज्जे आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन का एक वचन बताइए, पुरुषों, तो पुरुषों का एक वचन क्या आएगा आपका, पुरुष आएगा, तो आपका पुरुष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉरिबल। तो हॉरिबल का मतलब डरावना होता है और आउफुल का मतलब भी क्या होता है, डरावना, इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आउफुल रहेगा। नेक्स्ट है आपको आपका कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कुछ छुपा हुआ होना, ठीक है, सिनोनिम ही बताना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाइड। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, तो एंटोनिम बताना है, बिल्कुल सही है, एडमायर, प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैटल, एंटिक, ये गलत है भाई, यहाँ पर एंटिक नहीं होगा, कुछ और होगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, लेकिन एंटिक गलत है। नेक्स्ट आपका, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक, ओके, फाइंड द idiom रिलेटेड टू फॉलोइंग मीनिंग, अ डाइम अ डजन, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो कि बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एलिफेंट इन द रूम, तो फाइंड द मीनिंग ऑफ द idiom इन द गिवन ऑप्शंस, इसका भी आपको idiom बताना है, एन issue, पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, आई वॉज वेटिंग एट रेनबो सिंस 4 o'clock, बिल्कुल ठीक है, ये आई वॉज की जगह क्या आना चाहिए, वेटिंग दिया है, सिंस आया है, तो आई हैव बीन आएगा, बिल्कुल ठीक है आपका, आई हैव बीन। नेक्स्ट आपका, रीमा और हर फ्रेंड्स इज रनिंग एवरी डे, यहाँ पर मिस्टेक है, रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे, यहाँ पर इज रनिंग नहीं आएगा, रन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव. कश्मीर इज देन दिल्ली. ओके कंपेरेटिव है तो क्या आएगा, कोल्डर आएगा. बिल्कुल ठीक है, कोल्डर ही होगा. नेक्स्ट आपका किसे डेट्राइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, अल्फ्रेड मार्शल. बिल्कुल गलत है, ये आएगा आपका अल्फ्रेड कान नाम है उनका, ठीक है, अल्बर्ट कान कुछ ऐसे नाम है डेट्राइट का निर्माण किया था जिनने, तो ये गलत है, अल्फ्रेड मार्शल नहीं होगा. नेक्स्ट आपका यूरोपियन किस सदी में भारत आए थे, यूरोपियन पुर्तगाली ये 1498 में आए थे, तो 15वीं शताब्दी. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2019 में यूनिफाइड पेमेंट द्वारा कितने लेन देन किए गए थे, तो ये आपका गलत है, 1.7 अरब, ये होगा 1.31 मिलियन, मतलब अरब, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है. नेक्स्ट है भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है. बिल्कुल ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्य है, तो राज्यसभा आप सबको पता है कितने सदस्य है, 245. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है. बिल्कुल ठीक है, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से खदान तांबे की उत्पादक है, बालाघाट. बालाघाट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये राजस्थान का नहीं है, बालाघाट तो MP के अंदर पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में, तो आपका गलत है, 27. आंसर क्या रहेगा वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था. वैसे जो खेतड़ी है राजस्थान में उसमें कॉपर आपका प्रोड्यूस होता है, तो अगर खेतड़ी ऑप्शन में है तो आंसर खेतड़ी होगा. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्य करता है, पर्यावरण के ऊपर ओडीवन जो चलाया था पर्यावरण को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल ने चलाया था. निम्नलिखित में से कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है, ईश्वर का निवास. बिल्कुल ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित गाँव में से किस गाँव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद है, राखीगढ़ी. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य घोषित बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी, तो 23 अप्रैल 1966. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है आपका व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम किलोमीटर योजना शुरू की गई थी, गुरुग्राम में की गई थी. बिल्कुल ठीक है. नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल. नेक्स्ट आपका 1 जनवरी 2020 की स्थिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रविशंकर झा. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है भारत के किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ आइकन के खिताब से नवाजा गया है, दुष्यंत चौटाला. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है हरियाणा की 14वीं लोक विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो उपाध्यक्ष होता है आपका डिप्टी स्पीकर, ठीक है, और यहाँ पर किया है अपने ज्ञानेंद्र गुप्ता, मतलब जिस भी स्टूडेंट का है उनने ज्ञानेंद्र गुप्ता किया है, जो कि गलत है क्योंकि ज्ञानेंद्र गुप्ता स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर नहीं है. नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है, उदय भानुहंस. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है, मोहन चोपड़ा. बिल्कुल ठीक है. हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस सन में हुई थी, 22 दिसंबर 1985. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, खड़ी बोली. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, शिवालिक रेंज. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है, घग्गर हकरा नदी. घग्गर नदी उत्तरी हरियाणा में ही बहती है. बिल्कुल ठीक है. हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा है 623.7 मीटर, ये आपका गलत है, यहाँ आएगा आपका 450 mm औसत वार्षिक वर्षा, ये अगर ऑप्शन में था तो ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट है हरियाणा में कितने राजस्व मंडल है, तो हरियाणा में 6 मंडल है. दी गई नदियों में कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, डांगरी, बाकी और डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया गया है. नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, तो कितना है, 879. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है आपका जनवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, सतीश कुमार मित्तल. बिल्कुल ठीक है. निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था, 1982, ये गलत है आपका, 1984 में किया गया था, 84 आएगा. नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी, धमाल. बिल्कुल ठीक है. हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है, फुलकारी. बिल्कुल प्रसिद्ध है. नेक्स्ट है आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार आयोजित कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था. बिल्कुल ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, एनियाक, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, लाइवेयर, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम ट्यूब्स, अर्ली कंप्यूटर यूज्ड एंड वर लार्जर एंड वर ओनली फाउंड बिजनेस यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट। देखिए पहले जो कंप्यूटर यूज़ किए गए थे, जो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, और फर्स्ट जनरेशन का साइज बड़ा था, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए जिससे यह पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, डेटा संचारित करने के लिए, टू ट्रांसमिट द डेटा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन विच ईयर, रे टॉमलिंसन इन 1971, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट का है, बिल्कुल ठीक है। एम एस एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्प्रेडशीट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, पन्ना कोटा, ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर कि क्या क्या दिया गया है, तभी ऑड वन आउट का पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैस्कुलाइन का दिया है, कुछ भी नहीं है, ओनली जो अल्फाबेट्स है उनको चेंज किया गया है, ठीक है, नंबरिंग चेंज की गई है। तो 61 का आंसर रहेगा आपका, जो इनने मार्क किया है वो बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की एक पंक्ति में बाई ओर से 11वीं है, बी दाई ओर से 12वीं, सी बी के 34, बिल्कुल ठीक है ये आपका। नेक्स्ट है आपका, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 64 का भी आपका बिल्कुल सही है, आपको ओनली मैच करना है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ओनली आप मैच कीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। 67 का भाई बिल्कुल ठीक है, 68 आर एस डी डी बिल्कुल ठीक है, 69 462 ओनली यहाँ से उठाया गया है, बिल्कुल ठीक है। और आगे दिया है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, 3241 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिल्कुल ठीक है, तीन ही नंबर आए हैं। नेक्स्ट है, तारीख को सदियों के महीनों के, ओके 1324 बिल्कुल ठीक है, 72 का भी, 732 बिल्कुल ठीक है, 74 प्लॉट नंबर, ओके एड्रेस बताया है तो बिल्कुल ठीक है। 75 के ऊपर चलिए, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट, इस स्टूडेंट के सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है, ये भी ठीक है, 400 भी आपका ठीक है, ठीक है। मैच करते रहना आप लोग जो भी आपने किया है, 3 ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये 100% राइट क्वेश्चंस है। 79 का 25 बिल्कुल ठीक है, 1:2 के रेशियो में बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1:3 बिल्कुल ईजी है, एवरेज निकालना था, बिल्कुल ठीक है आपका, ये भी बिल्कुल ठीक है, 2/3 पार्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस से है, बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निर्धारित करता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया अपघटित हुई है, रंग में परिवर्तन, बिल्कुल रंग में परिवर्तन एक केमिकल प्रोसेस है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का एग्जांपल नहीं है ये, अगर एक्जोथर्मिक ऑप्शन में था तो एक्जोथर्मिक का ऑप्शन आंसर रहेगा आपका, ठीक है, एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक है, जैव उत्प्रेरक ही होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के कौन से छिद्र खुलते हैं जिनमें पानी बहता है, तो जाइलम में ही होता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष को रूप में जाना जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें 75% तक मीथेन पाई जाती है, बायोगैस, बिल्कुल ठीक है, बायोगैस में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका पेपर था, जो क्लर्क का पेपर हुआ है एलडीसी का, फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है।
तो और भी जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है, जिनको भी अपना आंसर की क्लियर करनी है, वो मेरे पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भेज दीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी PDF वगैरह मैं डाउनलोड कर पाऊँगी, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता पाऊँगी अदर शिफ्ट्स के, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का तो आपका हो चुका है, तो जैसे ही मुझे मिलता है PDF मिलता है क्वेश्चंस का, मैं बहुत जल्द आपका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।